नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। फिल्म अभिनेता गोविंदा उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और पूजन अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुमिता भी थी, जो पहले कई बार बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए आ चुकी हैं। गोविंदा ने अरसे बाद आ रही अपनी फिल्म फ्राइडे की सफलता के लिए भी प्रार्थना की। फिल्म अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी सुमिता के साथ उज्जैन प्रवास पर आए। गोविंदा की पत्नी सुमिता बाबा महाकाल की भक्त हैं। वे पहले भी कई बार महाकाल के दर्शन के लिए आ चुकी हैं। इस बार उनके साथ गोविंदा भी आए। गोविंदा ने प्रदेश में किसानों के लिए बने संगठन का समर्थन कर सभा में हिस्सा लिया था। इसके दूसरे दिन उन्होंने बाबा महाकाल की शरण में पहुंच बाबा का पूजन अभिषेक किया। महाकाल मंदिर में पंडित रमन त्रिवेदी ने सम्पन्न कराया। महाकाल मंदिर आने के पूर्व गोविंदा ने महामृत्युंजय धाम पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। महाकाल मंदिर में पूजा के बाद गोविंदा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे बाद उनकी फिल्म आ रही है, जो लोगों को पसंद आएगी। गोविंदा की बेटी भी जल्दी फिल्मों में नजर आएगी। उनका मानना है कि जो चीज समय पर होती है वैसा ही होती है। जी, किसी प्रकार का ताप काल कष्ट ना आए, वो प्रार्थना की महाकाल से, और ये प्रार्थना की कि मेरे पूर्ण घर परिवार में किसी की तकलीफ ना आए। ये पूजा प्रार्थना की, और मेरी जो पत्नी है आदरणीय सुमिता, इनका बहुत इनकी इच्छा थी कि आज आके पूजा प्रार्थना की जाए यहाँ पे, और ये काफ़ी टाइम आ चुकी है यहाँ पे, तो आज प्रार्थना की कि किसी प्रकार की तकलीफ या कष्ट बाधा काल की तकलीफ कहीं भी नहीं आए, ये महाकाल से प्रार्थना। जी, 12 तारीख अक्टूबर में फिल्म रिलीज हो रही है, और बहुत समय हो गया कि पॉलिटिक्स से मैं निकला, 9-10 वर्ष हो गए। मेरी फिल्म जिस तरह की हुआ करती थी वो काफ़ी समय से नहीं आई थी। ये कल्ट सिनेमा हुआ है, और मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये फ्राइडे जो है आप लोग बहुत पसंद करेंगे और ये हिट सिनेमा रहे। मेरा नंबर वन में मेरा विश्वास नहीं है, मेरा ये सोचना है कि ऊपर वाले ने जो कृपा की है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो जिस तरह वो काम कर रही हैं फिल्मों में सिनेमा में, बहुत अच्छा हो रहा है वह, और मुझे ऐसा लगता है कि जो समय से हुआ करता है वो सदैव अच्छा ही हुआ करता है। तो ईश्वर से मैंने यही प्रार्थना की है और माई से यही प्रार्थना की है कि कामयाब हो और पुनः यहाँ पे आए। गोविंदा की फिल्म का नाम ही फ्राइडे है। इस शुक्रवार रिलीज हो रही फिल्म उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या कमाल कर पाएगी ये तो कमाई के आंकड़े बताएंगे, लेकिन अपनी फिल्म की सफलता के लिए गोविंदा फिलहाल काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आज के साथ।